कानून सामान्य रूप से एक समाज के भीतर आदेश को स्थापित करने और सुविधा प्रदान करने और शांति बनाए रखने के लिए बनाए जाते हैं। क्रिसमस में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में यीशु संहिता के बारे में बात करते हैं। वह कहते हैं कि वह संहिता को खत्म करने नहीं बल्कि उसे पूरा करने आए हैं। कानून सामान्य रूप से एक समाज के भीतर आदेश को स्थापित करने और सुविधा प्रदान करने और शांति बनाए रखने के लिए बनाए जाते हैं। संहिता को पूरा करना, उसका क्या तात्पर्य है? संहिता को पूरे करने से उसका मतलब उस उद्देश्य को पूरा करना है जिसके लिए इसे बनाया गया था। वह है न्याय, धार्मिकता, जैसा कि पवित्र शास्त्र कहता है, जिसमें परमेश्वर के साथ एक न्यायपूर्ण संबंध शामिल है। अगर हम कानून के उद्देश्य और भावना का पालन करते हैं तो मुझे यकीन है कि यह मसीह में एक अद्भुत नए जीवन की शुरुआत हो सकती है। यीशु संहिता को पूरा करने के लिए आया था और यह उसने सबसे अप्रत्याशित तरीके से किया, कलवारी के माध्यम से। इब्रानियों के नाम पत्र में मसीह की मृत्यु को योम किपुर की धर्मविधि के रूप में वर्णित किया गया है। पूर्व में महायाजक को पाप के लिए प्रायश्चित करने के लिए जानवरों के लहू को छिड़क कर हर साल पवित्र स्थान में प्रवेश करना पड़ता था, लेकिन यीशु ने इसे हमेशा के लिए क्रूस पर चढ़ा दिया। यीशु संहिता को मिटाने नहीं आया, यहाँ तक कि उसका एक अक्षर भी बदलने नहीं, परंतु उसे पूरा करने आया है। हमें यीशु के उदाहरण का पालन करने और अपनी बाइबल की व्याख्या यीशु के तरीके से करने की आवश्यकता है, और इसके लिए हमें यीशु की मदद चाहिए। तो फिर आइए हम सब यीशु से ये निवेदन करें कि वह हमारी मदद हर तरीके से करें।